सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्कूल बस। इट्स अ स्कूल मीडिया प्लेटफॉर्म। और आज जैसे कि आपको पता है कि एनडीएमसी स्कूल इनिशिएटिव से वर्कशॉप कंडक्ट हुई है, यही खोज हमें लेके आ पहुंची है नवयुग स्कूल जोरबाग में। और यहां पर हम कथक डांस वर्कशॉप के अंदर है। बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत डेमोन्स्ट्रेशन दिया, जिसको मतलब इतना खूबसूरत था किसी के भी इनको देखकर पांव थिरकने लग जाएंगे। और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि नवयुग स्कूल के बच्चे आके इतनी प्रगति कर रहे हैं, टैलेंट से भरे हुए हैं, जोश और जज्बे से भरे हुए हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 से 13 14 साल तक के बच्चे हैं। नॉट जस्ट एनडीएमसी स्कूल स्टूडेंट्स, बल्कि एनडीएमसी के जो बाहर नॉन एनडीएमसी स्कूल हैं वो भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और यही बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और इस चीज़ के लिए आप एनडीएमसी को कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आपके इस इनिशिएटिव से आज इन बच्चों को बहुत ही कम फीस पे इतना कुछ सीखने का मौका मिला। और एक्सपर्ट से भी आपकी बात करवाएंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले कुछ बच्चों से आपकी बात करवाते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि बच्चों की जो आवाज़ है वो आप तक पहुंचे। और जितने भी डिफरेंट स्कूल के बच्चे हैं, प्रिंसिपल एंड टीचर्स हैं, जो थ्रू आउट इंडिया इस वीडियो को आज देखेंगे, आप ये देख सकते हैं कि कथक में बच्चे किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ताकि अगर आप भी अपने बच्चे को कथक में भेजना चाहें या आपका बच्चा भी कुछ कथक डांस में करना चाहे तो वो यहां से थोड़ा बहुत इनसाइट ले सकता है। चलिए आपके कुछ बच्चों से बात करवाते हैं। कथक डांसर बड़े होके कौन कौन बनना चाहता है? मुझे आवाज नहीं आई अभी भी। तो यहां पर जितने भी स्कूल में गया, सबका यही कहना था कि जो भी कथक डांस में गया कि हाँ आई वॉन्ट टू बिकम अ कथक डांसर इन फ्यूचर। और सबको मतलब करना है, ये बात बहुत बहुत खूबसूरत लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या नाम है आपका? रिद्धिमा। कौन सी क्लास में हो? सेकंड। स्कूल? नवयुग स्कूल जोरबाग। जोरबाग में हो। तो आपने कथक डांस का ही वर्कशॉप क्यों चुना? क्यों आपको कथक डांस करना पसंद है? यस। ओके, सो यू वांट टू बी अ कथक डांसर, आप बड़ों के कथक डांसर बनना चाहते हैं? यस। ओके, सो आपके पेरेंट्स इस चीज में सपोर्ट करते हैं आपको? यस करते हैं। किस किस के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं? सबके ही करते हैं, सबके ही करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आने से पहले, आपके एक्सपर्ट्स आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, लगे पड़े हैं विदिन 15-20 डेज से, तो एक बार अपने एक्सपर्ट्स के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। तेज। क्योंकि ये आप पे बहुत मेहनत कर रहे हैं 15-20 डेज से, और शायद ये भी हो 15 तारीख को जो कन्वोकेशन है कन्वेंशन हॉल में, उधर आपका भी एक प्ले होगा, तो उसकी तैयारी कैसी चल रही है? ओके, कैसी चल रही है तैयारी? क्या क्या सीखा आपने कथक डांस में अभी भी? उत्पत्ति, नमन, हस्तर। क्या क्या सीखा कथक डांस में? हमने मुद्राएं सीखी है, कितने घराने होते हैं और कितनी फॉर्म्स होती है, और हमने तत्कार सीखा है। लावण्या। कौन सा स्कूल में हो? नवयुग स्कूल जोरबाग सरोजनी नगर। जोरबाग भी, सरोजनी नगर भी, दो दो क्यों बोले? सरोजनी नगर में पढ़ती हूँ, क्योंकि इसी स्कूल से पढ़ के मैं सरोजनी नगर में गई। ओके, दो दो बोले। ओके, तो आपको इस एनडीएमसी वर्कशॉप के बारे में कैसे पता चला? जी, मेरे को तो मेरे पापा ने बताया कि यहाँ पे कथक भी सीखते हैं बच्चे, तो फिर मेरे पापा को मतलब मेरे अंदर की खूबी पता थी कि मुझे कथक, मैं कथक की ज़्यादा करती हूँ और मैं घर में ही ज़्यादातर कथक में ही लगी रहती हूँ, तो फिर पापा ने मेरे यहाँ पे कथक में नाम लिखवाया ताकि मैं बड़े होकर एक बहुत अच्छी मतलब कथक डांसर बन जाऊँ। Let's clap for her. अभी से बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत अच्छी बात है। So, इस बच्चे के पेरेंट्स ने, पापा ने बताया कि बेटा जाओ तुम कथक डांसर ही बनोगे, जाओ करो कथक डांस, बहुत अच्छी बात है। और अभी से बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि सपने उन्हीं के सच होते हैं। आपका नाम? चिंतन। आपका? गर्विता। ओके, तो यहाँ पे एज अ आप? मैं एज ए डांस डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर। बोथ ऑफ यू आर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स? उड़ीसा। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनली हम लोग सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं महाराज जी के यहाँ, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के स्टूडेंट्स हैं हम, तो हम उन्हीं के यहाँ प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं। एंड आप? मैं अभी राइट नाउ पंडित बिरजू महाराज जी के पास ही उनके कलाश्रम में सीख रही हूँ, एंड राइट नाउ आई एम स्टडिंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। कॉलेज? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज। द थिंग इज, हमारे साथ आज एक्सपर्ट खड़े हैं, बच्चों से आपकी बात करवाई, ये दो वो एक्सपर्ट्स हैं जिनकी वजह से आज ये कथक डांस वर्कशॉप सक्सेसफुल हो पाई है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कई बार क्या कहते हैं पेरेंट्स, कहते हैं कि कहीं ना कहीं कथक डांस हमारी एक इंडियन हेरिटेज में आता है, और लेकिन जो लोग हैं वो ज़्यादातर आजकल पॉपुलर डांस फॉर्म्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ये डांस फॉर्म ख़त्म हो रही है जो इंडियन हेरिटेज में है। सो मैं और वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करके आया हूँ, डिफरेंट सेमी फोक होंगे, लाइक चाऊ डांस हो गया, देन अगर कथक की बात करता हूँ, डिफरेंट टाइप के डांस है, राजस्थानी फोक
वो सारे थे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि इंडियन हेरिटेज से कहीं ना कहीं ये चीज़ ख़त्म हो रही है और लोग ज़्यादातर वेस्टर्न की तरफ मूव कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमें लग तो रहा है कि लोग वेस्टर्न की फॉर्म जा रहे हैं, क्योंकि थिंग इज कि मीडिया भी इसके पीछे बहुत कुछ एक शॉर्टकट सक्सेस वाली जो बात आ जाती है कि मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है कि हाँ नेम फेम रियलिटी शोज ऐसे बन रहे हैं कि लोग आकर के दो चार डांस करके मतलब वन नाइट फेम पा रहे हैं, पर वही कि पर आप जब इस फॉर्म को सीखते हैं, पर ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो समझते हैं इन चीज़ों को, बच्चे समझते हैं, जो एक एक चीज़ को एक पोजीशन को रियाज करने के लिए, एक एक हस्तक को रियाज करने के लिए हमें टाइम लगता है। तो इस चीज़ को पेशेंट्स को समझना और पेरेंट्स का मोटिवेट करना बच्चों को, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बच्चे समझ रहे हैं और चीज़ों को कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे हैं ठीक है जहाँ जा रहा है, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टाइम निकाल करके इस समर वर्कशॉप में, आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे चाहते तो आराम से घर में सो सकते थे, पर सुबह उठ करके इस फॉर्म को सीखने के लिए आना, सीखना, समझना। और मेरे ख्याल से अगर इतने छोटे बचपन से अगर इन चीज़ों के बारे में उनको समझ दी जाए तो डेफिनेटली ये आगे चल करके इस पर टाइम देंगे, अपना फोकस डालेंगे और कहीं ना कहीं आगे जा करके ये कुछ करेंगे। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है और ये बहुत सीरियस क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि आपको बहुत सारे पेरेंट्स देखने वाले हैं और वो देखेंगे भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई जो गुरुजी हैं जो मतलब यहाँ पे असिस्टेंट आए हैं, ये दो एक्सपर्ट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इनकी ज़ुबानी ही मैं इनकी विचारधारा आप तक पहुँचाऊँ। मेरा क्वेश्चन ये है, काफ़ी पेरेंट्स कहते हैं गो फॉर इंजीनियरिंग, गो फॉर IAS, डोंट गो फॉर डांस एंड आर्ट्स, वो मतलब इसमें कोई प्रोफेशन नहीं है, इसमें इन शॉर्ट इनकी लैंग्वेज है पैसे नहीं है इस चीज़ में। तो उन पेरेंट्स को, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल के तौर पर हैं, आप खुद इस प्रोफेशन में, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली राइट नाउ हर पेरेंट्स का शुरू से ये ट्रेंड चलता आया है कि दे वॉन्ट देयर चाइल्ड टू बिकम सक्सेसफुल इन एजुकेशनल फील्ड और जिसमें उनका प्रोफेशन हो, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी बच्चे का मन आर्ट की तरफ जा रहा है तो उसके अंदर एक भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है जिसको उन्हें नरिश करना चाहिए, उनको उनकी मदद करनी चाहिए, बिकॉज जिस दिन वो इसके साथ डेडिकेशन से आगे बढ़ेंगे तो देर विल बी नो वन टू स्टॉप देम। ओके, एंड सेकेंडली जब ये लोग इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसमें सोचते हैं, तो एक सोचने का तरीका, एक ज़रिया, नए नए थॉट्स निकलते हैं जो कि एक ऑफिस के आवर्स में बैठ के 4-10 से 6 के टाइम में वो नहीं कर सकते, वो बंद जाते हैं। तो जितनी क्रिएटिविटी यहाँ से, जितनी रिस्पेक्ट, जितना कल्चर उनको यहाँ से प्रभावित कर सकता है वो उस चीज़ से नहीं कर पाएंगे। और ऑब्वियसली एक छोटी सी चीज़ मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी कहा कि डॉक्टर्स बनने के लिए, इंजीनियर्स बनने के लिए हमें भेजा जाता है, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं शी इज़ डूइंग हर ग्रेजुएशन, ऑफकोर्स शी विल डू हर मास्टर्स इवन, मैं खुद MCOM किया हुआ है मैंने, तो इतना सब कुछ करने के बावजूद ही हमने इस चीज़ को प्रोफेशनली लेने की कोशिश करी है। और पहले स्टार्टिंग में थोड़े बहुत होते हैं, आपके पेरेंट्स जब आप एज अ प्रोफेशन का होगा कि मुझे ये डांस फील्ड में जाना है, कथक डांसर फील्ड में जाना है, तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन बिल्कुल जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि वो चाहते हैं कि उनका लड़का एक सेटल सिक्योर जॉब में आ जाए। ये बात सही है कि ये जो लाइन है ये उतना सिक्योर, उतना सेटल आपको तुरंत नहीं मिलता, बट हाँ अगर आप कोशिश करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, तालीम आपकी अच्छी होगी, शुरुआत अच्छी होगी, तो डेफिनेटली आगे जा करके इट विल टेक टाइम, बट यस टाइम विल कम जब आपको लोग देखेंगे, आपको समझेंगे और चीज़ें सही जाएंगी। एक क्वेश्चन और है, प्लीज़ आप दोनों से माइंड मत करना मेरा, क्योंकि मैंने ऐसा ना बहुत सारे लोगों को सुना है, जितने लोगों को मैंने इंटरव्यू करा है, क्या डांस करते हो आप? कथक, कुछ और करो यार, वेस्टर्न फॉर्म में जाओ, पॉपिंग लॉकिंग करो, जितना मुझे जितनी नॉलेज है उतना बता रहा हूँ। कथक डांस, ये क्या डांस है? कथक कुचिपुड़ी, ये थोड़ी ना मैटर करता है। आपने ऐसे डायलॉग ज़रूर टॉन्टिंग सुनी होगी, डेफिनेटली सुनी है, क्या रिएक्शन है? क्योंकि ये बच्चे हैं अभी, जैसे आप तो इस चीज़ से निकल चुके हो, आप इतने मैच्योर हो गए हो कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इनको ये चीज़ अभी बहुत झेलना है कि मतलब सुनना है लोगों से कथक डांस कुछ और कर ले यार, ये क्यों कर रहा है? तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि ये बच्चे भी आपको सुनेंगे और जो दूसरे बच्चे हैं जो इस फॉर्म में जाना चाहते हैं वो आपसे शायद आज इंस्पायर हो जाएंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? बेसिकली जैसे ये कहा जाता है कि ये क्यों नहीं, इसमें क्यों जाना, इसमें क्यों नहीं, जब हमारे अंदर खुद से ये डेडिकेशन आ जाता है, जब उनको गुरु ऐसे मिलते हैं जो उनको इस तरीके से शिक्षा देते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि गुरु, जब भी इस ट्रांसफॉर्म के अंदर ये एक सिखाया जाता है कि गुरु ही हमारे लिए भगवान से भी ऊपर है, तो जब बच्चों के अंदर ये डेडिकेशन आता है तो वो सबसे पहले इस क्वेश्चन के टाइम पर अपने गुरु को याद करते हैं एंड उनके दिमाग में तभी यही जवाब आता है कि हमें पता है कि हमारे लिए उस चीज़ की क्या, हमारे लिए राइट नाउ ये पूजा बन चुका है, हम तो इसकी पूजा करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली
और इनके लिए भी आगे जाके जैसे जैसे इसी चीज़ में अगर ये आगे बढ़ते हैं, जैसे ये वर्कशॉप एक छोटा सा पार्ट रहा कि इनको इसके अंदर की चीज़ की मतलब बच्चे के पेरेंट्स आके बताते हैं कि घर पे अब वो बॉलीवुड गानों पे भी थिरकते हैं कथक के स्टेप्स, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ उनके अंदर ये चीज़ आ गई है, तो धीरे धीरे वो जब और चीज़ों में इस फील्ड में घुसते जाएंगे, देखते जाएंगे आसपास, तो डेफिनेटली वो अपने आप जवाब देंगे इस चीज़ का कि नहीं हमें पता है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है उस चीज़ का। सर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे, क्योंकि एज अ मेल ये बहुत डिफिकल्ट फील्ड है फॉर मेल के लिए, क्योंकि ज़्यादातर कथक भरतनाट्यम लड़कियों को एक इमेज बनाई जाती है, बट वहीं पर अगर मेन स्ट्रीम से हटके कोई लड़का अगर जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारे फिंगर्स उठ जाते हैं, तो आप अपना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको कभी याद आ रहा हो या फिर कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहते हैं जो एक वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाए उन बच्चों के लिए। डेफिनेटली मैं एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जो मेरी डांस की जर्नी थी वो जब मैंने 12th के बाद सोचा था कि मैं डांस के लिए आऊँ, डांस के लिए मैं मुंबई गया था और टेरेंस लुइस का डांस वर्कशॉप जो कि कंटेम्प्रेरी सालसा कम्प्लीटली वेस्टर्न फॉर्म्स थे, जब मैं वहाँ से आया देन वहाँ मैंने सोच रखा था कि ठीक है आई विल गो फॉर आई विल टेक डांस एज माई प्रोफेशन, पर जब मैं वापस आया और मैंने ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन मैं एक टीचर से मिला था जो ओडिसी के एक्सपर्ट हैं, तो चूँकि मैं उड़ीसा से हूँ तो वहाँ पर मुझे ओडिसी एक्सपर्ट से मिलने का मौका मिलता है, तो जब मैं वहाँ उनसे मिला था तो उन्होंने मुझे ये समझाया था कि ठीक है तुम डांसर बनना चाहते हो पर तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी क्या चीज़ है, कंटेम्प्रेरी सालसा जो आपने अभी पूछा है कि वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जो वेस्टर्न फॉर्म्स हैं वो हमारी धरोहर नहीं है, नहीं है। जब आप विदेश में, उन्होंने मुझे समझा कि आज हम जब विदेशों में इंटरनेशनली या जब आप जाके खुद को एस्टेब्लिश करते हो या कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में खुद को रिप्रेजेंट करते हो आप, तो उनका ये सवाल होता है कि आप फ्रॉम इंडिया से हो, आपके पास आपकी खुद की नॉलेज क्या है, आपका खुद का क्या है, और जब हमारे पास एक इतना सुंदर सा फॉर्म है, इतने सुंदर हमारे जो सुर लय ताली इतना मुश्किल चीज़ें हैं, बड़े लोग कहते हैं कि हमारे गुरु कहते हैं कि सांस का भी इधर का उधर हो जाना, और हमें पता है जब हम चीज़ें करते हैं अगर हल्की सी सांस भी यहाँ से वहाँ चली जाए तो ताले हाथ से चले जाते हैं और आप सम पे नहीं पहुँचते हो, तो वही वाली चीज़ है कि आपके पास आपका अपना क्या है, उनके पास दे हैव देयर ओन फॉर्म्स उनके पास, और तभी उनके पास है और वो आकर के हमारे इंडिया आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े फॉरेनर्स हैं आप देख सकते हैं, इलियाना चितारेस्ती जैसे इटाली की थी वो हैं, पद्मश्री इलियाना चितारेस्ती उड़ीसा की, वो आकर के उड़ीसा में रह करके सीख करके उन चीज़ों को समझना अगर वो कर सकते हैं ये तो हमारी अपनी चीज़ है, तो हम उन वेस्टर्न चीज़ों के पीछे क्यों जाएँ, जबकि बिल्कुल क्योंकि हमारे पास हमारी अपनी चीज़ होनी चाहिए, तभी आप बाहर जाओगे विदेश में जाओगे तो आप वो आके आपसे सीखेंगे, वो आपसे आकर के कभी कंटेम्प्रेरी नहीं सीखेंगे, कभी हिप हॉप नहीं सीखेंगे। आपका ये वाला जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इंडिया में हमारा कुछ नहीं, हमें कॉपी करना है, कॉपी के चक्कर में ना अपना कुछ कर पाते हैं ना उनका कुछ ढंग से कर पाते हैं और बीच में अटक के रह जाते हैं। ये बात बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, बहुत अच्छी लगी मुझे बात करके, जितने भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं दो एक्सपर्ट्स हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, इनकी विचारधारा आपके सामने रखी, बच्चों से बात करवाई, खासकर जो इनके थॉट्स हैं वो आप तक रखें, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, वरना कोई इनका जो एक्सपीरियंस है बहुत वैल्यूएबल है और मुझे भी कहीं ना कहीं हर एक्सपीरियंस से मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो मैं तहे दिल से आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू सर मैम हमसे बात करने के लिए, थैंक यू बच्चों हमसे बात। सो ये है नव्युग स्कूल जोरबाग, सो कैमरा पर्सन शिवम राणा के साथ भानु प्रताप सिंह, स्कूल बस।